नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। देखिए कैसे हैं आप सब बोलना तो बहुत ख़राब लग रहा है, लेकिन बिहार पुलिस का मेरे भाई सभी इतना मैसेज आ रहा है, इतना कॉल आ रहा है कि पेपर लीक का। देखिए आपके सामने पटना का दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर दिखाई दे रहा है। न्यूज़पेपर में भी स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि बिहार पुलिस का पेपर आपका लीक हुआ है, लेकिन CSBC आयोग अभी तक ये स्वीकार नहीं किए हैं कि आपका पेपर लीक हुआ है। इसलिए उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अभी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जांच कीजिए अच्छे से पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। और हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या बताया गया है, कैसे कैसे क्या हुआ है, सब कुछ बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग जान सकें कि क्या होगा नहीं होगा। 15 अक्टूबर का एग्जाम आपका नियत समय पर होगा और इसका पेपर अगर वायरल हुआ है, लड़के के द्वारा भेजा जा रहा है, पुष्टि किया जा रहा है, तो CSBC को स्वीकार करके पेपर रद्द कर देना चाहिए। चलिए अब हम न्यूज़पेपर को पढ़कर सुनाते हैं कि इसमें पेपर वायरल से संबंधित कौन कौन से बात लिखा गया है। लिखा गया है कि भर्ती परीक्षा 70 से अधिक सॉल्वर गिरफ्तार, इस न्यूज़पेपर में ये लिखा है। लिखा है सिपाही भर्ती पेपर लीक, मैटर समझते चलिए। पटना में नकल करते 6 गिरफ्तार, 6 में से 5 के पास बरामद आंसर की प्रश्न पत्र से मैच। देखिए पटना में नकल करते समय 6 लोग गिरफ्तार हुए, 6 में से 5 के पास जो आंसर की मिला है वही सेम आंसर की एग्जाम में भी था। अब मतलब पूर्ण रूप से पेपर वायरल का ये सबूत हो रहा है। अब है कि बिहार में 21,391 सिपाही पदों के लिए पहले दिन रविवार को राज्य भर में परीक्षा संपन्न हुई। फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग में आपका 21,391 पोस्टों पर परीक्षा संपन्न होता है। इस दौरान पटना, सारण, बक्सर, समस्तीपुर, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय सहित दर्जन जिलों से 100 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। जब पेपर लीक नहीं हुआ तो 100 लोग गिरफ्तार कैसे हुआ, इस CSBC को बताना होगा। ठीक, इसमें से 70 से अधिक सॉल्वर है, इसमें से 70 से अधिक सॉल्वर है समझ जाइए। वही पटना में पकड़े गए 6 में से 5 परीक्षार्थी के पास मिली आंसर की में सही उत्तर है। पटना में 6 लड़का को पकड़ा गया मेरे भाई और 6 में से 5 लड़का के पास सही उत्तर पाया गया है। दो पाली में आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए CSBC की ओर से 5,95,000 प्रवेश पत्र जारी किया गया, यानी कल आपका 5,95,000 बच्चों का एग्ज़ाम लिया गया। दोनों शिफ्ट मिलाकर 21,391 भर्ती में 5,95,000 बच्चा एग्ज़ाम दिया। ये जो न्यूज़पेपर दिया है वही बात हम बोल रहे हैं। अब देखिए क्या है, लिखा है कि भास्कर टीम पटना भागलपुर। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की ओर से 1 अक्टूबर को राज्य के 529 केंद्र पर परीक्षा हुई। पूरे बिहार में 529 केंद्र पर आपका एग्जाम लिया जाता है। पटना के कंकड़बाग थाना के रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज से 6 परीक्षार्थी को आंसर की नकल करते पकड़ा गया। पटना के रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज से 6 लोगों को पकड़ा गया। ठीक, सेकेंड शिफ्ट में गिरफ्तार 6 अभ्यर्थियों में से 5 के पास से बरामद आंसर की प्रश्न पत्र के सही उत्तर से मैच कर गया। 6 में से 5 बच्चा का जो उत्तर था वो एकदम पेपर से मैच कर गया है। पुलिस आंसर की जब्त कर उसकी जांच कर रही है। वही रामकृष्ण नगर के भूपतिपुर में एक परीक्षा केंद्र में 4 स्कॉलर भी पकड़े गए हैं। अब समझिए 4 स्कॉलर भी पकड़ा गया, पुलिस उसको गिरफ्तार करके जांच कर रहा है। आप लोगों को उग्र होने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का प्रोटेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, एकदम शांतिपूर्ण ढंग से रहिए। सभी टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो लोग आपका सपोर्ट करें, पेपर अगर लीक हुआ है तो उसको कैंसिल कराएँ और पेपर फिर से लिया जाए। अगला है, ये कुछ प्रश्न और उनके उत्तर आंसर की में था। पहला है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। इस प्रश्न का उत्तर आंसर की में हवाई द्वीप है। देखिए जो आंसर की वायरल हुआ वो प्रश्न है।
अगला है प्रश्न संख्या 10, कौन सा एकमात्र द्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। इसका उत्तर आंसर की में अफ्रीका है। अगला है प्रश्न संख्या 2, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन 2023 में स्वर्ण पदक जीता। इस प्रश्न का उत्तर आंसर की में दिया गया है। अब समझिए कि सब कुछ इतना स्पष्ट रूप से मिलने के बाद अभी भी CSBC के तरफ से अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो दुर्भाग्य होगा। इसलिए आप लोग कम से कम 48 घंटा वेट कीजिए। CSBC बहुत अच्छा आयोग है, ये बहुत अच्छे से इनको मालूम है कि इस समय पेपर अगर लीक हुआ है तो रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार पुलिस का जो एग्जाम है वो गरीब घर के बच्चे देते हैं, मजदूर के बच्चा देता है, किसान का बच्चा देता है, ठेला चालक का बच्चा देता है, सब्जी बेचने वाला का बच्चा, जितने लोग मिडिल क्लास के होते हैं उन्हीं के बच्चा अधिकतर आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में जाते हैं। इसलिए आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग धैर्य के साथ रहिए। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का गलत हुआ है तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है, इसलिए आप लोग को निफिक्र रहना है। और इससे संबंधित कोई भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे, उसे निफिक्र रहना है कि सर नहीं है, हम आपके साथ शुरू में भी थे, उतने पसीने बहाकर पढ़ाए हैं तो अभी क्या जाता है 2-4 वीडियो बनाकर, अगर गलत हुआ है तो गलत का विरोध करना, जो होना होगा होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी अगर गलत हुआ है तो हम इसका विरोध करेंगे। पेपर लीक का जो बच्चा सब भेज रहा है उससे तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि पेपर लीक हुआ है। आप मेरा व्हाट्सअप को देखिएगा तो समझ में आपको आ जाएगा कि कितना मैसेज आ रहा है। हर घंटा में कम से कम 300 से 400 मैसेज ओनली व्हाट्सअप पर आ रहा है कि सर पेपर लीक हुआ है, तो हुआ है। अब समझ सकते हैं यूट्यूब वीडियो में कमेंट लगभग हर घंटा 500 से 700 कमेंट जा रहा है कि सर पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हुआ है, तो इसका जांच हो रहा है। अगर लीक हो गया है, ज्यादा संभावना यही है, तो रद्द होने की पूर्ण रूप से संभावना है। इसलिए आप लोग निफिक्र रहिए, टेंशन फ्री रहने की आप लोग को जरूरत है। अगर किसी भी तरह का और भी चीज मिले तो मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं, टाइमिंग स्पष्ट रूप से सही होना चाहिए तब उस पर किसी भी तरह का कोई बात किया जा सकता है। एक लड़का के द्वारा मेल भी भेजा गया है CSBC को, टाइम है 1:21, वो मेरे पास भेजा है, हम उसका भी मेल देख लेते हैं क्या क्या भेजा है, उस पर भी आपको वीडियो बना कर दे देंगे। इसलिए आज निफिक्र रहिए, आज हम आपके साथ पूर्ण रूप से बने रहेंगे जब तक CSBC के तरफ से कोई ना कोई आपके लिए अपडेट नहीं आ जा सकता है। इसलिए 7 अक्टूबर 15 अक्टूबर वाला एकदम जो पैटर्न पूछा है उसी पैटर्न पर एकदम जम कर तैयारी कीजिए और सफलता पाइए। अगर आज के हिसाब से उस दिन लीक नहीं होगा, 7 और 15 वाले मेरे भाई अच्छे से आप लोग पढ़िए। आज के वीडियो के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। टेंशन